अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ वीडियो है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी बिहेवियर एट वर्क। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेफ्टी बिहेवियर या पर्सन से वर्कर्स के बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करते हैं एट वर्क साइट या ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने तमाम फैक्टर्स को तीन कैटेगरीज में किया है समअप। नंबर वन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, नंबर टू इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड नंबर थ्री जो है जॉब फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में क्या कुछ आता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में सबसे पहले जो चीज़ है वो सेफ्टी कल्चर, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूदा सेफ्टी कल्चर कैसा है और उस जगह का, उस कंपनी का इंडस्ट्रियल कल्चर कैसा है, वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ HSE। देन नंबर टू SOPs एंड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, उस कंपनी की प्रोसीजर्स पॉलिसीज कितनी स्ट्रिक्ट हैं और कैसी हैं, रिटन में है कि नहीं है। देन लीडरशिप कमिटमेंट किस हद तक है, लीडर टॉप मैनेजमेंट किस हद तक कमिटेड है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HSE या सेफ्टी। देन लेवल ऑफ सुपरविजन, स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ सुपरविजन है कि बस गुजारे लाइक है। देन पीयर ग्रुप प्रेशर, कि आपके को वर्कर्स होते हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर आता है, जो बिल्ड होता है क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रेशर्स हैं, वो कैसा है। देन वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ पे काम करने का जो तरीका है, वर्क एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट वो कैसा है। देन कम्युनिकेशन मेथड्स, के मींस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हैं, रिटन है, वर्बल है, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सिर्फ ईमेल की कम्युनिकेशन को मानते हैं, कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं, कहीं पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड होती है, तो ये सारी सेफ्टी बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करती है। देन रिसोर्सेज, कि वहाँ पर कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, आया PPEs मौजूद है कि नहीं है, क्या वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स HSE की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। देन फाइनली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कि वहाँ पे ट्रेनिंग्स का कल्चर कैसा ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ सेकंड फैक्टर जो है जॉब फैक्टर, कि जॉब फैक्टर से मुराद इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, टास्क, कौन सा टास्क, जो टास्क इंडिविजुअल या वर्कर परफॉर्म कर रहा है वो किस हद तक आपकी सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, वो कितना क्रिटिकल है, हैजर्डस है या रिस्की टास्क है, इस पर डिपेंड करता है। नंबर टू वर्कलोड कितना है, यानी वर्क प्रेशर, वर्कलोड लो, एम्प्लॉयज़ कम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है और क्वांटम ऑफ वर्क ज़्यादा है, ये भी आपके सेफ्टी कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है या सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। देन जो वहाँ पे काम करने के लिए टाइमलाइंस मिली है वो किस हद तक स्ट्रिक्ट है, और जितनी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होंगी डेफिनेटली गलती के चांस बढ़ जाएंगे और बाईपास भी सेफ्टी होंगे। देन SOPs और प्रोसीजर्स, हर काम करने के लिए SOPs, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज बनी है कि नहीं बनी हुई, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। देन लास्ट इंडिविजुअल फैक्टर, जिसको मैंने कहा था कि इंडिविजुअल फैक्टर से मुराद के जो इंसान काम कर रहा है पर्सनल, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये कैसे इम्पैक्ट होती हैं इसमें, यानी उस पर्टिकुलर वर्कर का मोटिवेशन लेवल क्या है, वो आया खुद सेफ्टी इंप्लीमेंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसका पर्सनल कॉन्शियस लेवल क्या है और उसका पर्सनल कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आते हैं। और या फिर आप कह लें कि उसका एटीट्यूड, उस बंदे का एटीट्यूड जो है, पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग सेफ्टी, वो सेफ्टी को किस हद तक अहमियत देता है, ये इसके अंदर आ जाता है। तीन मेन फैक्टर्स हैं जो आपके वर्क प्लेस पे सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जॉब फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।